जो कारण सबसे कॉमन कारण है, तो मेल का और फीमेल का दोनों का अलग अलग कारण होता है, यानी कि फीमेल में भी प्रॉब्लम्स हो सकती है, मेल में भी प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो अगर मेल में प्रॉब्लम की बात करते हैं तो हेलो फ्रेंड्स, जयपुर दूरबीन के यूट्यूब चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि आप जल्दी प्रेग्नेंट कैसे हो। तो यदि आप प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही हैं और आपको लग रहा है कि बहुत जल्दी प्रेगनेंसी कैसे अचीव की जाए, तो ये वीडियो आप ही के लिए बनाया गया है। तो बने रहिए हमारे साथ इस पूरे वीडियो में और जानिए कि आखिर जल्दी प्रेग्नेंट होने के क्या राज है, क्या इलाज है। तो मैं डॉक्टर सुशीला सैनी, गायनेकोलॉजिस्ट एंड ऑब्स्टेट्रिशियन, आज आपसे सारे टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करने जा रही हूँ। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि यदि प्रेगनेंसी आपको नहीं हो रही है और आप बहुत दिनों से ट्राई कर रही हैं और फिर भी प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, तो यानी कि कुछ ना कुछ तो कारण है। तो सबसे पहले तो हमें कारण ढूंढना पड़ेगा। जो कारण सबसे कॉमन कारण है, तो मेल का और फीमेल का दोनों का अलग अलग कारण होता है, यानी कि फीमेल में भी प्रॉब्लम्स हो सकती है, मेल में भी प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो अगर मेल में प्रॉब्लम की बात करते हैं तो सीमन एनालिसिस टेस्ट होता है, यानी कि आदमी के पानी की जो जांच होती है, उसी से हमें पता चल जाता है कि उसमें शुक्राणु कितने हैं, वो चलते हैं या नहीं चलते, उनकी क्वालिटी कैसी है और उसमें फ्रेक्टोज का लेवल कितना है। तो ये चार पांच चीजें हम उसके अंदर पैरामीटर्स चेक करते हैं। अगर वो सब सही है तो यानी कि आपका मेल पार्टनर बिल्कुल फिट है। यदि उसमें किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है तो फिर वो डॉक्टर से मिलकर आपको उसका इलाज कराना पड़ेगा। अगर हम फीमेल पार्टनर की बात करते हैं तो फीमेल पार्टनर के अंदर तीन चीज होती है, यानी कि यूट्रस होता है, ओवरीज होती है और ट्यूब होती है। यदि ओवरीज के अंदर अंडा नहीं बनता है, अंडा बन जाता है लेकिन फूटता नहीं है, तो प्रॉब्लम हो सकती है। ट्यूब्स के अंदर यदि किसी प्रकार का कोई ब्लॉकेज है, ट्यूब और ओवरी का रिलेशनशिप खराब है, तो भी प्रॉब्लम हो सकती है। और ये यूट्रस है जहां जाके इम्प्लांटेशन होना यानी बच्चा लगना है, यदि वहां के अंदर के एंडोमेट्रियम के लेयर खराब है और उसमें अंडे की रिसेप्टिविटी नहीं है और वहां बच्चा लगने के बाद भी इम्प्लांट प्रॉपर नहीं हो पाता, बच्चा खराब हो जाता है, तो वो भी एक इनफर्टिलिटी का कारण बन जाता है। तो इस तरीके से हमें दोनों तीनों कारण पहले चेक करने पड़ते हैं। और इसके साथ ही साथ कुछ हार्मोनल प्रॉब्लम्स भी होती है, यानी कि प्रोलैक्टिन का लेवल खराब हो सकता है, TSH का लेवल गड़बड़ाया हो सकता है, FSH LH का प्रॉब्लम हो सकता है। तो इस तरीके से चार पांच हार्मोन्स भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो उनका भी हमें टेस्ट जरूरी होता है। एज सून एज आपने ये पता कर लिया कि आपकी क्या खराबी है, एज सून एज आपको ये समझ में आ गया कि कारण क्या क्या हो सकते हैं, तो अब हमें टेस्ट के बारे में सोचना पड़ेगा कि हमें इन सब चीजों को पता कैसे लगे कि ये सब चीजें सही है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले अपने हार्मोन टेस्ट कराने पड़ेंगे, एक सोनोग्राफी करानी पड़ेगी जो ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी होती है, और एक आपको ट्यूब टेस्ट कराना पड़ेगा यानी कि HSG यानी हिस्टोसाल्पिंगोग्राफी। इससे आपका पता चल जाएगा कि अंडा बनता है या नहीं बनता, अंडा फूटता है या नहीं फूटता, ट्यूब्स आपकी ओपन है या नहीं है, और यूट्रस आपका परफेक्ट हेल्दी है या नहीं है। जैसे हमें ये सब पता चल गया कि कोई ना कोई कारण है, अब जो भी आपको कारण मिलता है उसके अकॉर्डिंगली आपको इलाज करना पड़ेगा। यदि आपको लगता है कि ओवरी में अंडे नहीं बन रहे हैं, तो आपको जो अंडा बनने की दवाई होती है जो कि लेट्राजोल या क्लोमिफेन हो सकती है, वो आपको जरूर दी जाती है जिससे कि आपके शरीर में अंडा बन जाता है। यदि दवाई से नहीं बनता तो उसके लिए इंजेक्शन दिया जाता है। अब यदि आपकी ट्यूब्स खुली नहीं है, अब यदि अंडा बनने के बाद यदि फूटता नहीं है, तो सोनोग्राफी करके पहले अंडे को ट्रैक किया जाता है। जब अंडे का साइज 18 से 20 mm का पहुंच जाता है तो फिर हम अंडा फूटने का इंजेक्शन होता है जो कि HCG इंजेक्शन होता है। तो HCG इंजेक्शन के कारण अंडा फूट जाता है और बच्चा लगने में हेल्प मिलती है। तो इंजेक्शन कब लगेगा, जब आप सोनोग्राफी कराएंगे, और सोनोग्राफी से ही हमें अंडे का प्रॉपर साइज पता चलता है। इसके नेक्स्ट हमें चाहिए कि आपकी ट्यूब्स ओपन हो। तो यदि ट्यूब में किसी प्रकार का ब्लॉकेज है तो जनरली आपको IVF की सलाह दी जाती है, लेकिन एज अ दूरबीन स्पेशलिस्ट यानी लेप्रोस्कोपी होने के कारण हम आपको ये जरूर कहेंगे एक बार लेप्रोस्कोपी जरूर ट्राई कीजिए, क्योंकि दूरबीन डालकर उसके अंदर ट्यूब के अंदर तार डालकर बच्चेदानी की जो ट्यूब्स हैं उनको खोला जा सकता है, और जो फिम्ब्रिया यानी कि ट्यूब का जो मुंह होता है जो कि उसका फिम्ब्रियल एंड होता है, उसको भी खोला जा सकता है। तो एक ट्राई तो जरूर करना चाहिए। अगर खुल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, तो आपकी नॉर्मल प्रेगनेंसी हो जाएगी, और यदि नहीं खुलती है तो आपको पता चल जाएगा कि नहीं खुल सकती, तो आपको IVF ही एक आपके पास रास्ता है। तीसरा, आपका एंडोमेट्रियम ठीक होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए, तो उसको भी जांच करने के लिए हमें फिर हिस्टेरोस्कोपी चाहिए होती है, यानी कि जो बच्चेदानी के अंदर से दूरबीन से जाँच होती है। आपको इस्ट्रोजन की दवाई दी जाती है जिससे कि अंदर का एंडोमेट्रियम का जो लेयर है वो अच्छे से थिक हो जाए, उसमें इम्प्लांटेशन अच्छे से हो जाए, और यदि वो नहीं क्रिएट हो रहा है, अंदर किसी प्रकार का जाला है या कोई तकलीफ है, तो उसे दूरबीन डालकर उसे साफ किया जा सकता है, यानी कि अच्छा हेल्दी बनाया जा सकता है। तो इस प्रकार जो भी खराबी हमें दिख रही है हम उसका इलाज कर सकते हैं, और जैसे ही आपको इलाज हो जाता है तो आपकी नॉर्मल प्रेगनेंसी आराम से हो जाएगी। तो सोचने में समय वेस्ट ना कीजिए कि आपको प्रेगनेंसी नहीं हो रही और अब आप क्या करें। ये सारे कारण और
और इलाज पर यदि आप फोकस करेंगी तो डेफिनेटली आपको भी बहुत जल्दी प्रेगनेंसी हो जाएगी। और यदि फिर भी कोई तकलीफ है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर आप फोन करके हमारे हेल्थ केयर एक्सपर्ट से आप बात भी कर सकती है, जिससे कि हम आपकी प्रॉब्लम को पर्सनली सुनकर पर्सनली उनका इलाज भी आपको समझा पाएंगे। और यदि यूट्यूब चैनल पर आप इसी प्रकार हमारी वीडियोज देखती हैं तो उन्हें अपने फैमिली और फ्रेंड्स से जरूर शेयर कर दीजिए। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। हम आपसे फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक नमस्कार।